गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डी ए वी पब्लिक स्कूल सिकर सो स्टूडेंट क्लास फोर चैप्टर थी वर्किंग विथ विंडो सेवन पार्ट टू है इसका सो स्टूडेंट्स लुक केयरफुली स्टार्टिंग विंडोज़ कल हमने पढ़ा था ये जो आपकी विंडो है वो क्या है विंडो सेवन और विंडो सेवन के फीचर्स कि ये क्या है इजी टू यूज़ है यूज़ करने में आसान है ये सब हमने इसके फीचर्स पढ़े थे इसकी विशेषताएं पढ़ी थी इसमें आप पिन लगा सकते हो फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ कर सकते हो ठीक है आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग विंडोज़ कि स्टार्ट का मतलब क्या होता है शुरू तो विंडोज़ को शुरू कैसे करते हैं वैन वी बूट आवर कंप्यूटर जब हम हमारे कंप्यूटर को बूट करते हैं बूटिंग प्रक्रिया में डालते हैं तो द कंप्यूटर डज सम प्रोसेसिंग तो हमारा जो कंप्यूटर है कुछ प्रोसेसिंग करता है कुछ प्रोसेसिंग उसमें चलती रहती है एंड ए मैन स्क्रीन अपीयर्स उसके बाद आपकी जो मेन स्क्रीन है वो आपको अपीयर्स का मतलब क्या होता है दिखाई देना आपकी जो मेन स्क्रीन है वो आपको दिखाई देती है दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्क टॉप और जो आपकी जो मेन स्क्रीन अपीयर्स होती है आपको दिखाई देती है वही स्क्रीन क्या कहलाती है डेस्क टॉप कहलाती है इट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स वैन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन कम्प्लीटली लोडेड इन द कंप्यूटर इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन यह जो आपकी पहली स्क्रीन है दैट अपीयर्स जो आपको दिखाई देती है वैन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली लोड हो जाता है किस में कंप्यूटर में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कम्प्लीटली लोड हो जाता है जैसे कम्प्लीटली एक स्क्रीन दिखाई देती है उस पर आपके पास उसमें आपके पास विंडोज़ बनी हुई होती है चार ऐसे करके आपके पास चार विंडोज़ दिखाई देती है वह स्क्रीन क्या कहलाती है आपकी दिस स्क्रीन डिस्प्ले स्मॉल पिक्चर्स विच आर कॉल्ड आइकन्स तो जो स्क्रीन आपकी शुरू होती है वह स्क्रीन आपकी क्या कहलाती है यह स्क्रीन डिस्प्ले यह जो आपकी स्क्रीन है स्मॉल पिक्चर्स विच आर कॉल्ड आइकन्स इस यह जो आपकी स्क्रीन है वह डिस्प्ले करती है शो करती है छोटे छोटे पिक्चर्स को जैसे कोई फोल्डर का पिक्चर बना हुआ है या कुछ इमेजेस का पिक्चर बना हुआ है ये सारे जो पिक्चर्स आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर बने हुए होते हैं फर्स्ट स्क्रीन होती है जो डेस्कटॉप कहलाती है उसके ऊपर बने हुए होते हैं और जो ये स्मॉल पिक्चर्स है वो क्या कहलाते हैं वह स्मॉल पिक्चर्स आइकन्स कहलाते हैं फिर देखो आइकन्स आइकन क्या है क्या यूज़ है देखो आर स्मॉल पिक्चर्स जेंट ए प्रोग्राम आइकन्स क्या है एक स्मॉल पिक्चर है एक छोटी सी पिक्चर है आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स विच रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम आइकन्स है जो छो आइकन्स क्या है आइकन्स आपके स्मॉल पिक्चर्स हैं छोटे पिक्चर्स हैं जो आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ये आइकन है ये प्रोग्राम है ठीक है अब देखो सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन उसमें कोई प्रोग्राम भी हो सकता है एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर एक एप्लीकेशन भी हो सकती है ठीक है दे आर सिमिलर दे आर दे आर सिमिलर टू दे आइकन्स ऑफ एप्स ऑन ए देखो, वे सिमिलर होते हैं कौन आइकन्स किस में ऑफ एप्स ऑन ए स्मार्टफोन जो आपके स्मार्टफोन में ऐप्स होते हैं उसी की तरह से ये आइकन्स हैं कंप्यूटर में जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को या एक एप्लीकेशन को वो स्मार्टफोन में एप्स की तरह ही सिमिलर होते हैं उसी की तरह होते हैं When वी डबल क्लिक एन आइकन जब हम किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक ना करके डबल क्लिक करते हैं इट opens ए प्रोग्राम और ए फाइल और फोल्डर क्विकली जब हम डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो आइकन है उसमें या तो कोई प्रोग्राम हो सकता है फ़ाइल हो सकती है या कोई फोल्डर हो सकता है वो ओपन हो, हो जाता है क्विकली जल्दी से ओपन हो जाता है इफ़ वी ओपन ए प्रोग्राम और ए फाइल जब हम अगर हम क्या करते हैं किसी भी प्रोग्राम और फाइल को ओपन करते हैं फ्राम दैन्यू कहाँ से स्टार्ट मैन्यू से इट टेक्स अस मोर टाइम एज वी हैव टू गो थ्रो थ्रो ए मोर नंबर ऑफ स्टेप्स जब हम किसी भी फाइल को स्टार्ट मैन्यू से ओपन करते हैं तो यह इट टेक्स यह क्या करती है अस मोर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एज वी हैव टू गो थ्रू ए मोर नंबर्स ऑफ़ स्टेप्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है मोर नंबर्स ऑफ स्टेप्स तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टू ओपन ए वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है वी विल क्लिक ऑन हम किसे क्लिक करेंगे सबसे पहले स्टार्ट बटन फिर ऑल प्रोग्राम्स फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन एम एस वर्ड ओपन उसके बाद जो आप वन टू थ्री फोर फोर स्टेप्स फॉलो करोगे तब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाएगा तो वैन एम एस वर्ड ओपन जब आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाता है ओनली देन वी विल be able to open the desired documents तब only then तो उसके बाद we will be able to open the desired document तो हम अपने desired document को open करने के लिए able हैं but if we have created a shortcut अगर हम परंतु जब हम अगर परंतु अगर हम किसी shortcut को create करते हैं और एन आइकन या किसी आइकन को फॉर एम एस वर्ड ऑन द डेस्क टॉप किसके लिए एम एस वर्ड के एम एस वर्ड के लिए डेस्क टॉप पर कोई शॉर्टकट आइकन क्रिएट करते हैं वी कैन सिंपली ओपन इट तो हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपली तरीके से कहीं ढूंढने की कहीं भी फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं रहती है हम सिर्फ ईजीली एम एस वर्ड को क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं ओपन इट विथ ए डबल क्लिक ओनली डबल क्लिक के साथ द डैस्क टॉप ऑल्सो हैज़ ए टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन द डैस्क टॉप ऑल्सो हैज़ ए टास्क बार ऐट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन और जो आपकी टास्क बार है वो कहाँ शो होती है बॉटम में ठीक है टास्क बार टास्क बार क्या होती है जब हम हमारी जो आपको फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है आपकी तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसके बॉटम में एक बार दिखाई देती है ठीक है और ये जो बार है वो क्या कहलाती है टास्क बार कहलाती है ठीक है ये टास्क बार कहलाती है ठीक है तो देखो टास्क बार ऑफ विंडोज इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्क टॉप ये जो आपकी टास्क बार है ना ये डेस्क टॉप के बॉटम में आपको प्रेजेंट होती है मतलब तो जब आप ये आपका मॉनिटर है ओके और ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है जो आपको शो हो रही है ओके तो देखो अब जब आपकी फ़र्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे एक ये जो बार बनी हुई होती है वो क्या कहलाती है वो टास्क बार कहलाती है इट शोज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स और जो भी आप काम कर रहे हो ओपन प्रोग्राम होता है हम उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं तो वो इस टास्क बार पर ही हमें शो होगा सबसे पहले तो इस पर एक जो मेन है वो है स्टार्ट बटन और क्लॉक एंड क्लोक ये दो चीज़ें हैं जो मेन मेनली इस पर शो होती हैं देखो स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार आपका जो स्टार्ट बटन है वो इस टास्क बार पर क्या होता है शो होता है के वैन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं ए मेन्यू अपीयर्स विच डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ़ मेन ऑप्शन इन विंडोज़ तो अगर आप इस टास्क बार है यहाँ आपका स्टार्ट बटन बना हुआ है अगर आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो एक लिस्ट ओपन होगी उस लिस्ट में आपके पास क्या होता डिस्प्ले होता है मेन ऑप्शन डिस्प्ले होता है विंडोज़ का कि आपको कहाँ जाना है और क्या चूज़ करना है वी वी कैन एक्सेस ऑल द मेजर एंड लेज़र यूज प्रोग्राम्स फ्राम दिस मेन्यू इस मेन्यू के अंदर से आप क्या कर सकते हो प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हो कोई मेजर प्रोग्राम है कि लेजर कम या ज़्यादा जो भी प्रोग्राम्स हैं आप उनका यूज़ इसमें ईजीली कर सकते हो ओके आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो थैंक यू